सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक हो गाइस। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का जो हाउ टू डू होने वाला है वो मैनुअल एक्स व्हीली को लेके होने वाला है, विदाउट ब्रेक मैनुअल और विदाउट ब्रेक पैडल व्हीली कैसा करते हैं इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो गाइस बिना देरी करे चलते हैं। जैसे कि गाइस अभी मैं आप लोग को आज सबसे पहले मैनुअल के बारे में बताऊंगा कि मैनुअल कैसा करते हैं। सबसे पहले तो जैसा आपका पैडल सेट होना चाहिए आप वैसा सेट कर लो, रेगुलर या फिर गुफी। उसके बाद में जो है हाथ जो है जब मैनुअल करते हैं सब उस टाइम में हाथ जो है ऐसा स्ट्रेट रहना चाहिए और अपने को ये दोनों पैर से पंप करना है पंप। तो गाइस चलो मैं अभी आप लोग को सबसे पहले मैनुअल करके बताता हूँ। जब आप बाइक उठाते हो तो कॉन्सेंट्रेट एकदम सामने रखना है और फोकस करना है। दोनों हाथ स्ट्रेट करके आपको पंप करना है। ज़्यादा स्पीड पे मैनुअल नहीं उठाना है, सामने फोकस करके बैलेंस करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना बाइक ज़्यादा 90 डिग्री होनी चाहिए ना एकदम नीचे, एकदम बीच में होनी चाहिए और बैलेंस करना है। नेक्स्ट, जब आप प्रॉपर तरीके से मैनुअल और व्हीली सीख जाते हो तो आप मैनुअल करते करते व्हीली भी कर सकते हो। सो गाइस ये था मैनुअल जो अभी मैंने आप लोग को करके दिखाया। आप लोग को हाथ जो है हाथ एकदम स्ट्रेट रखना है और उसके बाद में पैडल्स जो है आपका पैडल्स आप राइटी हो तो राइट साइड रखना है, लेफ्टी हो तो लेफ्ट साइड रखना है गाइस। और उसके बाद जब आप व्हीली करते हो तो आप मैनुअल में एक चीज़ ध्यान रखना कि ना ज़्यादा ऊपर उठाना है ना ज़्यादा नीचे उठाना है, मतलब एक लेवल पे रखना और हाथ को ऐसा स्ट्रेट रख के आपको पंप करना है। तो गाइस ये था मैनुअल और अभी मैं चलो गाइस आप लोग को बताऊंगा व्हीली विदाउट ब्रेक। चलो करते हैं। सो गाइस जैसे कि BMX पे व्हीली करना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ अपने को एक फोकस करना है स्ट्रेट और हाथ को भी एक अपने हिसाब से बैलेंस रखना है, और जो ये हाथ है उसको ऐसा ऐसा नहीं रखना है, एकदम बीच में रखना है। पैडल्स को सेट करना है एकदम से प्रॉपर तरीके से और उसके बाद आपको बैलेंसिंग करना है पैडल्स मारते समय और फोकस सामने रखना है। तो चलो गाइस मैं करके दिखाता हूँ। व्हीली थोड़ा मैनुअल से अलग है। जब आप व्हीली उठाते हो तो पैडल मारते मारते हाथ और पैडल दोनों पे फोकस करना है और सामने देख के बैलेंस करना है। एक नॉर्मल स्पीड पे व्हीली उठाना है, ना ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए ना ज़्यादा फास्ट। व्हीली का भी सेम प्रोसेस है, ना ज़्यादा 90 डिग्री होनी चाहिए बाइक ना ज़्यादा नीचे, बीच में होनी चाहिए। व्हीली पे दो जगह फोकस करना पड़ता है, हाथ और पैर पे। पैडल मारते मारते हाथ पे भी फोकस करना है और सामने देखना है। सो गाइस ये था आज का मैनुअल एक्स व्हीली। मैं इसमें आप लोगों को दोनों ट्रिक्स करके बताया, मैनुअल भी और व्हीली भी। इसमें BMX में एक चीज़ और है गाइस, विदाउट ब्रेक में एक खासियत है, हम मैनुअल करते करते फिर रुक के फिर पैडल भी कर सकते हैं, फिर पैडल करते करते रुक के मैनुअल भी कर सकते हैं। तो गाइस यही था आज का हाउ टू डू। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट कौन से हाउ टू डूज़ पे मुझे वीडियोज़ बनाना चाहिए गाइस वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह गाइस मुझे लाइक सब्सक्राइब और प्यार करते रहना, और मैं आप लोग तलक अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लाता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।